वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर वन के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, साथ ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताऊंगी। तो सभी बच्चे चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि इन चारों डायरेक्शन की पहचान करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा भारत पढ़ने के लिए बच्चों डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछी जा सकती हैं। तो देखो, चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब क्या बात याद रखनी है कि सूरज जो उगता है वो हमेशा पूर्व की साइड से उगता है। अगर आप अपना फेस जहाँ से सूरज उगा है आपके घर की साइड, उधर की साइड आप अपना फेस करके खड़े हो गए, तो वो दिशा हमेशा पूर्व की होगी। आपका जो सीधा हाथ होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ होगा उत्तर की तरफ, और जिधर की साइड आपकी कमर होगी वो डायरेक्शन होगी पश्चिम। तो सभी बच्चे इस डायरेक्शन को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के आपको डायरेक्शन के यानी कि दिशाओं के अकॉर्डिंग देने हैं। अब है बच्चों चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो देखो, यहाँ पर मैंने पहले एक परिभाषा लिखी है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है कि नदी किसे कहते हैं, नदी की परिभाषा लिखो। तो आप क्या लिखोगे कि एक लंबा प्राकृतिक जल प्रवाह, क्या है, नदी है, एक लंबा प्राकृतिक जल प्रवाह, जैसे कि गंगा, यमुना नदी। अब देखो, आपको भारत के मानचित्र यानी कि मैप के अंदर इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है, भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य यानी कि जो सबसे नज़दीक उत्तर के है, उत्तर की डायरेक्शन में है, उस राज्य का नाम लिखो। तो बच्चों सबसे पहले भारत में सबसे ऊपर है जम्मू और कश्मीर। तो देखो, अगर मैप देखोगे डायरेक्शन है यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हमारे देश में जो सूरज है वो इस डायरेक्शन से निकलता है ना। तो यहाँ पर बोला है कि उत्तर का एक सबसे नज़दीकी आपको राज्य लिखना है। जूम कर दिखाती हूँ, तो यहाँ पर सबसे उत्तर के जो नज़दीक राज्य है वो है जम्मू और कश्मीर। तो आंसर में आप लिख दोगे और मैप में इस जगह पर भर दोगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य यानी कि बीच में स्थित कौन सा राज्य है? तो उसका नाम है बच्चों मध्य प्रदेश। तो देखो, मैप में इस जगह है बीचों बीच, जूम कर दिखाती हूँ, दिख गया आपको ये बीच में मध्य प्रदेश है। अब बोला गया है कि भारत के दक्षिण में स्थित दो राज्यों के नाम बताओ जो कि भारत में दक्षिण की साइड है। तो केरल और तमिलनाडु है, यानी कि बच्चों दक्षिण यहाँ पर नीचे की साइड होता है मैप में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केरल और तमिलनाडु दक्षिण के अंदर स्थित हैं। जूम करके देख लो इसे भी अच्छे से, इस जगह से आपको यहाँ पर इन्हें फिल कर देना है। अब बच्चों मानचित्र किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, परिभाषा लिखकर बताओ। तो आप लिखोगे कि मानचित्र यानी कि नक्शा पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है, जिसे पैमाने या फिर चित्रों की सहायता से कागज या चपटी सतह पर दर्शाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर कॉपी में लिखते जाना। अब बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि महासागर किसे कहते हैं, तो नमकीन पानी की विशाल जल राशि, क्या है महासागर की परिभाषा लिखोगे कि नमकीन पानी की विशाल जल राशि। महासागर चार प्रमुख होते हैं, पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है बच्चों, हिंद महासागर हमारे मैप के अंदर इधर की साइड है, पूर्व की डायरेक्शन के अंदर है। अब बच्चों, अब भारत के पश्चिम का आपको एक राज्य बताना है जो कि पश्चिम में है। तो पश्चिम में भारत के बच्चों गुजरात है। मैप में देखो, ये रहा गुजरात, ये है पश्चिम की डायरेक्शन, चाहो तो जूम कर दिखा देती हूँ। ये रहा बच्चों गुजरात पश्चिम के अंदर, तो इस जगह पर फिल कर देना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि आपको हिंदुस्तान के मैप में ऐसे राज्यों की लिस्ट बनानी है जिनकी सीमा समुद्र को टच करती है। देखो बच्चों, ये सभी राज्य, ये जो नीला वाला भाग है ये समुद्र का है, और इन सभी राज्यों की सीमाएं समुद्र को टच करती हैं। तो राज्यों के क्या क्या नाम लिखोगे आप? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अब बच्चों इस चैप्टर के फिलअप्स हैं, पढ़कर बताती हूँ।
मानचित्र में ऊपर की ओर बच्चों मैंने बताया था कि उत्तर दिशा दर्शाई जाती है और दक्षिण के अंदर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। दिल्ली से सटे राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। ऐसी जगहें जो दिल्ली के आसपास हैं वो कौन कौन से राज्य हैं मैप के अंदर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। केरल में अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बच्चों मलयालम भाषा बोली जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको मैप के अंदर आंसर देना है कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम के अंदर आपको अरब सागर के अंदर नीला रंग भरना है। तो देखो बच्चों पूर्व के अंदर है बंगाल की खाड़ी है ना, और पश्चिम में है अरब सागर, तो इतने पूरे ही एरिया को आपको ब्लू कलर से कलर करना है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का आपको चित्र बनाना है। तो ये रहा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिमालय पर्वत का चित्र है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में निकलते हुए सूर्य का चित्र दिखाना है। तो देखो पूर्व की डायरेक्शन ये है और देखो ये वाला जो जगह है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको सूरज का चित्र दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे छोटा सा ऐसे सूरज बनाकर अरुणाचल प्रदेश। अब बच्चों तीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो देखो बच्चों जो राज्य होते हैं वो कॉमन होते हैं, मगर जो केंद्र शासित राज्य यानी कि केंद्र शासित जगहें होती हैं उन्हें सरकार की तरफ से खास मान्यता प्रदान होती है। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, हमारा एक राज्य है, मगर ये केंद्र शासित राज्य कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर ये हिंदुस्तान की राजधानी है, ये एक मेट्रो सिटी है, सरकार की तरफ से यहाँ पर इसको खास दर्जा दिया गया है, इसी वजह से दिल्ली केंद्र शासित राज्य कहलाएगा। तो आंसर में लिखोगे कि भारत में कुल 29 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं। आंसर लिखोगे कि मानचित्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न शहरों, देशों, नदियों, पर्वतों, महासागरों के बारे में जान सकें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर के अंदर कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो बच्चों उत्तर मैप के अंदर ऊपर की साइड है और ऊपर की साइड है हिमालय पहाड़। तो आप लिखोगे कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। अब बच्चों एग्ज़ाम के लिए अक्सर पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुन लेंगे कि मानचित्र या फिर एटलस क्या है। तो ये क्या है, मानचित्रों का संग्रह है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे कि मानचित्रों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि हमें मानचित्र की आवश्यकता यानी कि ज़रूरत क्यों होती है। भारत के बारे में जानने के लिए, विभिन्न शहरों के बारे में जानने के लिए, या फिर अलग अलग देशों के बारे में जानने के लिए। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। अगला है कि मानचित्र बनाया जाता है किसके हिसाब से, पैमाने यानी कि स्केल के अनुसार नापकर ही बनाया जाता है कि कौन सा एरिया कितना है। अब लिखा है कि एक मानचित्र के अंदर कुछ चिन्ह और प्रतीक होते हैं, या ये एक कागज़ का टुकड़ा है, या ये लोगों का समूह है। तो बच्चों मानचित्र में कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ डायरेक्शन होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। अब है पूर्व दिशा मैप में कहाँ पर दर्शाई जाती है। तो पूर्व दिशा मैप में मानचित्र में दाएं हाथ की ओर दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऊंचाई को दिखाने के लिए, या फिर गहराई को दिखाने के लिए, या फिर दोनों को ही दिखाने के लिए। तो आंसर होगा दोनों को दिखाने के लिए। हिंद महासागर किस रंग द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैप के अंदर बच्चों आपने नीचे की साइड नीला देखा होगा, पानी जैसा रंग। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। भारत का सबसे नया राज्य कौन है जो बिल्कुल नया नया बना है, तो बच्चों तेलंगाना है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर चार राज्य दिए गए हैं, तो इन चारों राज्यों में से कौन से राज्य को खास दर्जा प्रदान किया गया है सरकार की तरफ से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो बच्चों दिल्ली है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सरकार ने अपनी तरफ से खास दर्जा हासिल कर रखा है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया के जगह के हिसाब से भारत हिंदुस्तान में कौन से नंबर पर है। भारत के पास कितनी जगह है और ये कौन से नंबर पर आता है, तो क्षेत्रफल के अनुसार
भारत का विश्व में सातवां स्थान है, सातवें नंबर पर है इसके पास जो जगह है। एक मानचित्र को किस प्रकार पढ़ा जाता है? तो एक मानचित्र को पढ़ने के लिए हमें दिए गए प्रतीकों, चिन्हों, दिशाओं और रंगों को समझना होता है। अगला क्वेश्चन है कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई शहर, नदी, मैदान अथवा पर्वत एक मानचित्र में कहाँ पर स्थित हैं? यदि हम मानचित्र में दिए गए चिन्हों और प्रतीकों को भली प्रकार समझ ले तो ये पता लगा सकते हैं कि मानचित्र में कौन सा शहर, कौन सी नदी किस जगह पर है। बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानचित्र में दिशाएं किस प्रकार, किस किस जगह पर दर्शाई जाती हैं? तो आंसर लिखोगे कि मानचित्र में उत्तर दिशा को सबसे ऊपर, दक्षिण को सबसे नीचे, पूर्व को दाईं तथा पश्चिम को, पश्चिम दिशा बाई ओर दर्शाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।